यस ये समझ आ गया कि नहीं? देख ले अर्नब। सर, कर लिया मैंने मतलब रिकॉर्डिंग स्ट्रीम। हाँ सही, एक बार जल्दी से तुम लोग देख लो जो मैंने बताया तुम्हें, एक बार जल्दी से देख लो। आज हमें क्या करना है देखो, पहले हमें कन्वर्जेंस करनी है, ये ध्यान देंगे, हमें ये वाली कन्वर्जेंस करनी है, क्लोरोफॉर्म से डाइथाइल ईथर, फॉस्जीन गैस, वन इथॉक्सी थाइल हाइड्रोपरोक्साइड, अल्फा क्लोरो डाइथाइल ईथर, पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, ये कन्वर्जेंस करनी है। फिर यहाँ पे डाइथाइल ईथर बनाने के लिए, डाइथाइल ईथर बनाने के लिए मैंने क्या किया, इथेनॉल लिया। इथेनॉल के अंदर अगर मैं इसके इथेनॉल की कंसंट्रेटेड H2O4 के साथ चार रिएक्शंस है। पहली रिएक्शन, अगर मैं इसमें कंसंट्रेटेड H2O4 डालूं, को मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, तो इसी मॉलिक्यूल पे, लेकिन ये याद रखना है। और दो अगली रिएक्शन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, करना तो कर लेना इनको, दो इंपॉर्टेंट थी ऊपर वाली, 443 केल्विन, 413 केल्विन। अगर 383 केल्विन है और कंसंट्रेटेड H2O4 है तो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, तो आंसर आएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें पानी डाल दोगे तो इथेनॉल मिल जाएगा, इसमें पानी दोबारा डाल दोगे ना तो इथेनॉल मिल जाएगा। अच्छा, इसके बाद कंसंट्रेटेड H2O4 है और 273 केल्विन टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है 273, ये ऑक्सोनियम आयन था, ये वाला ऑक्सोनियम आयन आएगा, CH3CH2O+HH, ये चार रिएक्शन थी। तो डाई इथाइल ईथर बनाने का मैंने तरीका तुम्हें यहां बताया। देखो डाई इथाइल ईथर कैसे बना, डाई इथाइल ईथर ये बना, क्लोरोफॉर्म लिया, एजी हीट किया, इथाइन, इथाइन से फिर इथेनल, इथेनल में एलएलएच फोर डाला, इथेनॉल, इथेनॉल में कंसंट्रेटेड H4 डाल दिया एट 413 केल्विन, तो डाइथाइल ईथर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, डाइथाइल ईथर, एक तरीका ये। दूसरा, तुम क्लोरोफॉर्म को कन्वर्ट करो इथाइल क्लोराइड में, कैसे कन्वर्ट करेंगे क्लोरोफॉर्म को इथाइल क्लोराइड में, देखो सर, क्लोरोफॉर्म से इथाइल क्लोराइड, उसके लिए भी सिंपल स्टेप चलेंगे बिल्कुल। देखो क्लोरोफॉर्म से इथाइल क्लोराइड, सर H2PD डाल के Cl2H में डाल देंगे। बिल्कुल सही है, पहले एजी हीट किया, इथाइन, H2PD डाल दो, अगर पूरा लेनर से एटलीस्ट डालेंगे तो इथीन मिलेगा, अभी मिल जाएगा इथेन, Cl2 सनलाइट डालो उसमें, इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड में ड्राई Ag2 डाल दो, इसमें सीधा लिख दो ड्राई Ag2, तरीका मैंने बता दिया है। इथाइल क्लोराइड लो 2 मोल्स, ड्राई Ag2 डालोगे, ड्राई Ag2 तो 2AgCl बाहर निकलेगा और आंसर आ जाएगा डाइथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर। और मॉइस्ट Ag2O लिखोगे, मॉइस्ट Ag2O मतलब Ag2O+H2O, ऊपर लिखा हुआ मैंने, तो इससे 2AgOH बन जाएगा, तो ये करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, AgOH है तो इथेनॉल मिल जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा, दोनों ध्यान रखना। तो कन्वर्जन के लिए मैं तुम्हें डायरेक्ट बताऊंगा, कन्वर्जन के लिए डायरेक्ट बताऊंगा यहाँ पे, इथाइल क्लोराइड बन गया, इसमें Ag2 डाल दिया ड्राई, मॉइस्ट डाल देंगे तो इथेनॉल, मॉइस्ट डालेंगे तो इथेनॉल, दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और एक मैंने तुम्हें फिर इसका तरीका बताया कि कैसे बनता है, ये तरीका बहुत सिंपल है, RX में ड्राई Ag2 डालते हैं, अगर RX में अगर ड्राई Ag2 डालेंगे तो ईथर कैसे मिलता है, RX में ड्राई Ag2, ये देखो तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ते रहना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ना है, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। देखो ये रहा RX, RX में ड्राई Ag2 डाला, O इलेक्ट्रॉन लेके गया, इधर X इलेक्ट्रॉन लेके गया, पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दो, R पॉजिटिव को O नेगेटिव से इसके जोड़ दो, इस O के साथ, तो ROAg आ गया और AgX बाहर निकल गया, प्रेसिपिटेट बन गया, ये निकल गया। अब दूसरा RX आएगा, इसमें भी ये इलेक्ट्रॉन लेके गया X, इधर O इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ दो, इधर आ जाएगा, समझ आया कि नहीं है, समझ आ गया होगा ये, सही ना, इजी था। तो यहाँ पे हमने सीख लिया क्लोरोफॉर्म से डाइथाइल ईथर। अब डाइथाइल ईथर के अंदर अगली रिएक्शन जो है, ध्यान देंगे अगली रिएक्शन, अब डाइथाइल ईथर बन चुका है, यानी CH3CH2OCH2CH3 ये बन चुका है, अगर मैं इसमें Cl2 डाल दूं डार्क के अंदर, तो अल्फा क्लोरो, अल्फा वाला जो कार्बन है उसका एच हटके Cl आ जाएगा, या इसका या फिर इसका, तो ये आ गया CH3CHCl, ये आ जाएगा अल्फा क्लोरो डाइथाइल ईथर, और दोबारा डाल देंगे इसके अंदर Cl2 डार्क में, दोबारा या एक्सेस में डाल दो, तो दोनों अल्फा पोजीशन से हटके एक एक ऐसे हटके Cl लग जाएगा, अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल ईथर, समझ आया कि नहीं है। और अगर मैं इसके अंदर डायरेक्ट डाइथाइल ईथर के अंदर
अगर मैं डायरेक्ट डाल दूं Cl2 सनलाइट के लाइट के प्रेजेंस में Cl2 सनलाइट, तो जितने भी एच है ना सब हट जाएंगे, CCl2 सॉरी CCl3 आएगा ना पहले, CCl3 CCl2 O CCl2 CCl3, तो ये आंसर आएगा पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, पर क्लोरो डाइथाइल ईथर, समझ गए कि नहीं है, पर क्लोरो डाइथाइल ईथर। आया था उसके नहीं, देखो समझ आ गया कि नहीं, ये पर क्लोरो डाइथाइल ईथर सर। हाँ बोलो सर, अगर एक्सेस में डाल दें क्लोरीन और डार्क तो चारों चारों अल्फा कार्बन के जो हाइड्रोजन है उन पे आ जाएगा, चारों नहीं मैंने बोला ना, जो मैं बोल रहा हूँ अभिषेक अभिषेक उसी को सुना कर, सिर्फ सीएल सीएल वहीं से हटेंगे बस। आकाश ठीक है सर, चलो नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट अब एक तो ये मैंने बता दिया, अब ये रिएक्शन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर डाइथाइल ईथर का सैंपल, दोनों कन्वर्जन समझ आ गए कि नहीं, पीछे बताई मैंने अभी, ये समीर कौन कौन सी कन्वर्जन होगी उससे रिलेटेड, करें 105 और 74, चलो ये ऐड कर लेना 105 और 10 सर 105 और 74, अच्छा 74 दो हो गए ना, अब ये इंपॉर्टेंट है उससे भी ज्यादा, अगर ईथर का ओल्ड सैंपल होगा, ईथर के अगर ओल्ड सैंपल होंगे तो उस केस में अपने आप पड़े पड़े क्या होगा, O2 और लाइट का प्रेजेंस तो आएगा ही, तो ये एक हाईली एक्सप्लोजिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ नीट में, तो ये हाईली एक्सप्लोजिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, जो इसका अल्फा वाला हाइड्रोजन था ना वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा परऑक्साइड लिंकेज के थ्रू, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और क्या मिल जाएगा, 1-ethoxy ethyl hydroperoxide, 1-ethoxy ethyl, मतलब तुम्हें अगर कंसेप्ट समझना ना तो जो ये वाला एच है, इसको याद रखना, ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर एक्सप्लोजिव क्यों होता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे जो एच था इसका होमोलेटिक फ्यूजन कर दो, इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे ही ओ2 का भी होमोलेटिक फ्यूजन करके बीच में ओ सिंगल बॉन्ड ओ जोड़ देना, और एक्सप्लोजिव क्यों होगा, क्योंकि परोक्साइड लिंकेज है, इससे एक्सप्लोजिव होगा, तो इसका नाम क्या है, 1-ethoxy ethyl hydroperoxide, मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि इन परोक्साइड को डिटेक्ट कैसे करना है और इन परोक्साइड को रिमूव कैसे करना है, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं, how will you detect the presence of peroxides in old samples of ether and how will you remove them and how will you remove them from old samples of ether which are very explosive, to isko iska presence detect karne ke liye, hum dalte hain iske andar FeSO4, dhyan denge ab iska presence detect karne ke liye, ek conversion ki form, dekho maine sara conversion ki form mein, theory ko bhi conversion ki form mein likha hua hai, ab iska presence detect karne ke liye ferrous sulfate dalte hain, sath mein medium rakhte hain acidic, मीडियम क्या रखेंगे, एसिडिक, FeSO4 फॉलोड बाय KCNS, पोटेशियम थायोसाइनाइड, ये डालेंगे एसिडिक मीडियम में, तो यहाँ पे एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, और आयरन जो है +2 से +3 में चला जाएगा और जो ये है रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इसके ऑक्सीजन हट जाएंगे और ये रिड्यूस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा ईथर, समझिए कि नहीं, आंसर क्या आ जाएगा, ईथर C2H5, ये इधर आ गया पूरा, और साथ में आयरन जो है वो +3 में चला जाएगा, आयरन +2 से कहां चला जाएगा, +3, Fe2SO4 होल थ्राइस, ये आ जाएगा और फॉलोड बाय KCNS बोला मैंने, इसमें आप KCNS डाल दो या KSCN डाल दो, ये रिएक्शन सबको याद होनी चाहिए, ये मैंने कराई हुई है सॉल्ट एनालिसिस में, आयरन +3 में KSCN डालते तो क्या मिलेगा, FeSCN होल फोर होल थ्राइस, हाँ थ्राइस फोर थोड़ी आएगा आयरन, तो ये ब्लड रेड कलरेशन आ जाएगा, ये पूरा डिटेक्शन हुआ इसका, रिमूव भी हो गया, ब्लड रेड कलरेशन,
तो याद रखना अगर डिटेक्शन करना है तो FeSO4 followed by KSCN, FeSO4 followed by KSCN. मैंने रिएक्शंस भी बता दिए तुम्हें, लेकिन तुम्हें क्या कहते हैं याद क्या रखना है, FeSO4 followed by KSCN gives blood red coloration. अगर blood red coloration आता है यानी उस सैंपल ऑफ ईथर के अंदर परऑक्साइड प्रेजेंट थे. समझ आया कि नहीं? ये अगर उसमें परऑक्साइड प्रेजेंट नहीं होंगे और फिर हम FeSO4 डाइल्यूट HCSO4 डालेंगे तो क्या होगा? फिर कुछ नहीं होगा, फिर कुछ भी नहीं होगा निशी. तो इसलिए मैंने बोला FeSO4 ब्लड रेड कलेक्शन नहीं आएगी ना फिर, तो इसका मतलब क्या होगा कि नहीं है प्रेजेंट. निशी क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर. तो ये याद ना FeSO4 फॉलोड बाय KSCN ये डिटेक्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड्स को, ये डिटेक्ट करेगा प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड्स को, रिमूव भी करेगा. और अगर सिर्फ तुम्हें रिमूव करना है, अगर सिर्फ तुम्हें रिमूव करना है, अभी पहले मैंने डिटेक्शन बताया था डिटेक्शन ऑफ परऑक्साइड, अब मैं बता रहा हूँ हाउ टू रिमूव परऑक्साइड, टू रिमूव परऑक्साइड. निशी तुमने कितनी कर ली कन्वर्जन? सर मतलब उसमें नोट फेयर वाले उसमें. हाँ मतलब तुम्हारी ना तुम बहुत अच्छे तरह से भेज रहे हो, तो काफी बच्चों ने तुमसे नोट देखा है, रीचेक भी किया है, इसलिए मैं पूछ रहा था तुमसे कि तुम अपना जो जितनी कर जाना सब भेज दो लिख करके. सर मैंने अभी उसमें 80 तक कर लिए. चलो इस हम ये जैसे 18th है ना, 18th है ना, मैं यहाँ से अगर 10 डेज ले रहा हूँ मैं से, क्योंकि अब तुम्हारा रिडॉक्स चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 165-170 कन्वर्जन से हो सकता है मेरे को एक दो दिन और लगे अभी, तो क्या कहते हैं उसके बाद तुम्हारा टेस्ट होगा. ये तुम मानो जो अब फ्राइडे आएगा ना, मंडे को लेंगे, नेक्स्ट मंडे, मतलब इस कमिंग मंडे नहीं, नेक्स्ट मंडे, मंडे को टेस्ट होगा सिर्फ इसका, कन्वर्जेंस का, सही ना, कन्वर्जेंस का, जितनी कन्वर्जेंस हो जाएंगी सारा कन्वर्जेंस का और चैप्टर्स के फॉर्मुलेज का, चैप्टर्स के फॉर्मुले एनसीईआरटी सबको करके भेजना, ये याद रखना भूलना नहीं बिल्कुल भी. जितने कन्वर्जेंस हो चुके हैं उन सबका टेस्ट होगा, सारे चैप्टर्स के फॉर्मुलेज, ताकि पिछले चैप्टर भूलो ना. ओरल टेस्ट होगा इसका, सारे चैप्टर्स के फॉर्मुलेज का ओरल टेस्ट होगा. और कम इसलिए बोला है, सिर्फ फॉर्मुलेज बोला क्योंकि कन्वर्जेंस का काम ज्यादा है. क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसमें 11 और 12 दोनों इंक्लूड है. अच्छा निशी हो पाएंगी कि नहीं ये सारी जितनी की है अभी तक? सर 10 डेज में तो आराम से हो जाएगी, हो जाएगा. और लेकिन इसको बस ध्यान रखना जब मेरा काम खत्म भी हो जाएगा ना. हाँ वंशिका तुम्हारा, तुम लोगों का भी है, 12th 11th दोनों का बोल रहा हूँ, 12th 11th दोनों का बोल रहा हूँ मैं. 12th वालों को पी ब्लॉक का टेस्ट होगा, एक नया चैप्टर जो पी ब्लॉक है उसका टेस्ट होगा मंडे को, सही ना, कमिंग, अभी कमिंग मंडे नहीं उसके बाद. तो तुम्हारे पास अभी 10 डेज का टाइम है, तब तक तुम जरूर कर लेना काम. ये मैंने क्या बोला है 12th वालों के लिए, क्या है सारे फॉर्मुलेज है, पी ब्लॉक कंप्लीट है. अच्छा वंशिका कितने कितने लेक्चर हो गए पी ब्लॉक के? सर मेरे तो लेक्चर 10 तक हो गए शायद. सर लेक्चर 10 तक हो गया, चार मार्क भी हो गए, मतलब चार मार्क भी कर लिए. कुछ नहीं, अब कब तक कर लोगे खत्म पूरा? सर कर लूंगी सर, मंडे तक, मंडे से पहले रिवाइज करने के लिए. इस मंडे से अगले मंडे की बात कर रहे हो? सर अगले मंडे, इस मंडे तक तो नहीं हो पाएंगे. चलो मतलब 7 डेज में ट्राई करो, कंप्लीट कर लो ताकि याद हो जाएगी. समझ आ रहा है सारा कि नहीं? हाँ सर समझ तो आ रहा है. तुमने केमिकल बॉन्डिंग जिससे ढंग से कर लिया ना उसको समझ आ जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आनी. चलो अभी तक देखो हाउ टू रिमूव परऑक्साइड, ये है इथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड है, इथाइल हाइड्रोपरऑक्साइड, इसको KI के साथ शेक कर लो, KI रिड्यूसिंग एजेंट है ना, I- इस साथ शेक करेंगे तो I- आ जाएगा I2 के अंदर और ये रिड्यूस हो जाएगा ईथर के अंदर, ये ईथर में रिड्यूस हो जाएगा प्लस I2. कोई डाउट? लाइक दिस परऑक्साइड इज रिमूव्ड. हाउ टू रिमूव परऑक्साइड, तो सिंपल KI के साथ शेक करेंगे ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर को, जो भी परऑक्साइड प्रेजेंट है वो रिड्यूस होकर ईथर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड I- विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू I2. I- विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू I2. कोई डाउट? ईथर का देखो जो भी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था ना, एल्कोहल फिनॉल ईथर, 12th क्लास के बच्चे जो अटेंड कर रहे हैं, समीर, शिवा, ये एल्कोहल फिनॉल्स में क्या तुम लोगों ने पढ़ा हुआ था पहले? एल्कोहल फिनॉल्स में एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर है ना एनसीईआरटी का 12th क्लास का.
यस सर। ये सारा पढ़ रखा है पहले? ये रिमूव पेरोक्साइड वाला तो नहीं पढ़ रखा है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये एंट्रेंस में पूछा हुआ है। ये ईथर वाला पार्ट करना था जरूर। ईथर वाले पार्ट में विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन और ये वाला थ्योरी वाला पार्ट जरूर आना चाहिए। ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर एक्सप्लोसिव क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर परोक्साइड का प्रेजेंस आ जाता है। फिर हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड एंड हाउ टू रिमूव देम। डिटेक्ट करने के लिए FeSO4 फॉलोड बाय KCNS या KCN। ब्लड रेड कलरेशन आ गया तो ओल्ड सैंपल में प्रेजेंट था परोक्साइड। और इसको रिमूव करने के लिए डायरेक्ट तरीका KI गैस चेक करेंगे। KI गैस चेक करेंगे तो I- ऑक्सीडाइज टू I2 एंड परोक्साइड विल बी रिड्यूस टू ईथर। ये जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, ये कौन सी कन्वर्जन कवर हुई है इसमें अभी? सर एक 114 हो गई, 1 इथॉक्सीथाइल हाइड्रोपरोक्साइड। अच्छा चलो ये हो गया ना खत्म। अब फॉसिन भी नोट कर लो। फॉसिन ये मैंने पी ब्लॉक में भी बताई होगी थ्योरी इसकी, हो सकता है स्टार्टिंग में भी बताई हो। फॉसिन COCl2 पॉइजनस गैस ऑफ क्लोरीन। COCl2 ओ बड़ा बनाना है, कोबाल्ट नहीं है। COCl2 फॉसिन गैस, पॉइजनस गैस ऑफ क्लोरीन। इसके अलावा और भी बताई हुई है, मस्टर्ड गैस बताई हुई है, टीयर गैस बताई हुई है, सही ना? ये भी पॉइजनस गैसेस है क्लोरीन की। तो ये तुम्हें करना है पॉइजनस गैसेस ऑफ क्लोरीन। तो इसमें क्या है, क्लोरोफॉर्म अगर प्रेजेंट है, क्लोरोफॉर्म सबको पता है एज एन एनेस्थेटिक एजेंट यूज होता था, क्लियर? क्लोरोफॉर्म कैसे यूज होता है, एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। लेकिन क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स जो है, जैसे ही ऑक्सीजन और लाइट के प्रेजेंस में आते हैं, जैसे ईथर के साथ हुआ था ऐसे इसके साथ होता है, जैसे ही ये O2 या लाइट के प्रेजेंस में आएंगे, O2 या लाइट के प्रेजेंस में आते ही इमीडिएटली ये कन्वर्ट हो जाते थे हाईली पॉइजनस गैस व्हिच इज कॉल्ड एज फॉसिन। हाईली पॉइजनस गैस, तो इसको हम एनेस्थेटिक एजेंट की तरह यूज नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करने, इनिशियली जो है लोग क्या करने लग गए थे कि क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स को, क्लोरोफॉर्म को डार्क ब्राउन बॉटल में रखने लग गए। डार्क ब्राउन बॉटल में क्यों रखने लग गए? टू कट ऑफ लाइट। और पूरा फिल करते थे बॉटल्स को, पूरा फिल क्यों करते थे, बॉटल दे विल फिल्ड अप टू द ब्रिम, पूरा फिल करते थे बॉटल्स को ताकि ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ना आए। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई चीज ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ना आए। जैसे ही बॉटल्स ओपन करेंगे, कॉक ओपन करेंगे, इमीडिएटली ऑक्सीजन और लाइट दोनों का प्रेजेंस होगा, तो ये फॉसिन गैस बन जाती थी। क्या बन जाती थी? फॉसिन गैस, सही ना? तो इसको रिमूव करना ताकि ये क्लोरोफॉर्म यूज कर सके, तो रिमूव करना जरूरी था। इसलिए हम क्या डालते थे इसके अंदर, 0.2% के आसपास, 0.1 to 0.2% के आसपास इथेनॉल डालते। और इथेनॉल जो है इस फॉसिन गैस को कन्वर्ट कर देता था नॉन टॉक्सिक कंपाउंड कॉल्ड एज डाई इथाइल कार्बोनेट। नॉन टॉक्सिक कंपाउंड कॉल्ड एज डाई इथाइल कार्बोनेट। और फॉसिन गैस प्रेजेंट है क्लोरोफॉर्म के अंदर की नहीं, हम डालते थे अगर फॉसिन गैस प्रेजेंट है इसके अंदर क्लोरोफॉर्म के साथ, तो हम इसमें डालते थे क्या, डालते थे AgNO3। क्या डालते थे? AgNO3। और अगर व्हाइट प्रेसिड आ जाता था, व्हाइट पीपीटी आ जाता था, तो व्हाइट पीपीटी इससे आता है, क्लोरोफॉर्म से नहीं आता, क्लोरोफॉर्म में जो CCl बॉन्ड है कोवेलेंट है वो टूटेगा नहीं। तो अगर व्हाइट पीपीटी आ जाता था इसका मतलब फॉसिन गैस प्रेजेंट है। क्लोरोफॉर्म की बॉटल्स में अगर सिल्वर नाइट्रेट डालें और व्हाइट पीपीटी आ जाए, दैट मींस फॉसिन गैस इज प्रेजेंट। कोई डाउट यहां तक किसी को? तो कोई कन्वर्जन कवर, एक तो फॉसिन गैस कवर हो गया, एक डाइथाइल कार्बोनेट भी दे रखा है कन्वर्जन में। यस सर, 103। तो 103 तक कवर हो गई है, डाइथाइल कार्बोनेट भी कन्वर्ट कर लेना इसको, है ना? क्लोरोफॉर्म से फॉसिन कवर हो गया हमारा, और क्लोरोफॉर्म से डाइथाइल कार्बोनेट। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट स्टेप जो है, अब देखना अमोनिया डेरिवेटिव वाली रिएक्शन है ना, एक बार चेक करना। और बीच में जो छुड़वाई है आपने, मतलब 101, बोलो कौन सी? हाँ बोल दो कौन सी सर। एसीटोन ऑक्साइड। हाँ कौन सी है सर? एसीटोन ऑक्साइड, मेंडेलिक एसिड। हाँ एसीटोन ऑक्साइड तो अमोनिया डेरिवेटिव में आ गया, और कोई सर? मेंडेलिक एसिड है। मेंडेलिक एसिड तो सेम उसी की तरह ना, लैक्टिक एसिड की जगह क्लोरोफॉर्म में एजी हीट एथाइन से बनाएंगे बेंजीन से बनाएंगे। देखो ये मेंडेलिक एसिड है, ट्राई करो जल्दी से, जैसे लैक्टिक एसिड था।
चलो कर लिया ट्राई। देखो एक ही कार्बन पे ओएच और सीओएच दोनों है, इसका मतलब एचसीएन जरूर डलेगा। इससे पहले बेंजल गेटर बनाएंगे, गेटरमैन कोच से ये बनाएंगे सीएचओ, फिर बनाएंगे सीएच एचसीएन डाल के सीएच ओएचसीएन और उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके ये आ जाएगा। तो यहां डलेगा एचसीएन, यहां डलेगा सीओ प्लस एचसीएल एनहाइड्रस एएलसीएल3 सीएच2 गेटरमैन कोच रिएक्शन CH2 सॉल्वेंट, और यहां पता ही रेड हॉट आयरन ट्यूब। डाउट किसी को? मेंडेलिक एसिड,